भक्तों से अनुरोध करेंगे तिलक लगा करके हमारी इन मंदिरों में वो मूर्तियां तो जड़ हैं चैतन्य मूर्तियों का, चैतन्य देवियों का आज नमन करें। इसे हिमालय को हिला सकती है। ये देश वो देश है जहां नारी माँ बनकर भगवान गोदी में खिला सकती है। आज स्वयं परमात्मा पिता आकर के कहा, तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ। हवाएं आए इस दीपक को बुझा, ये कहते हैं फानुष बनके जिसकी हिफाजत स्वयं हवा करे। ये फानुष इसे बोलते हैं जिससे हम किसी प्रकाश को बचाते हैं हाथ की हथेलियों से। तो कहते हैं फानुष बनके जिसकी हिफाजत स्वयं हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन स्वयं खुदा करे। ऐसी जीवंत आत्माओं को, ऐसी जीवंत विभूतियों को हम सामने देख रहे हैं और जो अपने हाथों से उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को इस हॉल में जीवंत करेंगी। इस हॉल में हम सभी उस परमात्मा पिता को महसूस करेंगे और सभी शांतिमय वातावरण में दीप प्रज्वलन करेंगे। बहनों से अनुरोध है आप आकर के दीप प्रज्वलन कराएं, क्योंकि वो परम सत्ता आज जो हम इन चर्म चक्षुओं से जिन्हें नहीं देख सकते, वो दिव्य सत्ता आज हमारे समक्ष है और हमारे द्वारा ही जो ये कार्य करा रही है। सभी बहनें इधर स्टेज पे आ जाएं और आकर के दीप प्रज्वलन में सहयोग दें। सभी बहनें स्टेज पर आ जाएं। सभी बहनें मिलकर के दीप प्रज्वलन कर रही हैं। दीपों को, इन दीपों की ज्योति जैसा ही हमारे जीवन उज्जवल। सभी बहनें जरूर हाथ से इस दीपक को जलाएं, क्योंकि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है। आज सर्व के सहयोग से इस पुनीत कार्य को संपन्न किया जा रहा है। किसी ने शुभकामनाओं से, किसी ने कर्मणा सेवा से, किसी ने शुभ भावना से इस कार्य को संपन्न कराने में सहयोग दिया है। सहयोगी ही सहज योगी बनते हैं, ऐसा दिव्य कर्तव्य हम मनुष्य आत्माओं द्वारा परमात्मा करा रहा है। हमारी नगर प्रमुख माननीय आदरणीय नगर की माँ प्रमिला पांडे जी, उनसे हमारा अनुरोध है, वो अपने कुछ ऐसे अनुभव युक्त वचन हमारे सामने आएंगी और लाएंगी, क्योंकि वो उनके द्वारा ही इस समाज का विशेष कल्याण जो हो रहा है वो और आगे बढ़ेगा। आदरणीय बहन जी, आज यहाँ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की एक शाखा और हमारे शहर में जो शाखा चलती है उनकी ब्रह्मा कुमारी की दुलारी बहन जिन जो मेरी माँ के समान है, और यहाँ तमाम ऐसी मेरी बहनें बैठी हैं जो एकदम
देखने में ही इनको, इनके चेहरे पर जो रौनक है वो देखकर ही समझ में आ जाता है कि आप इस परमात्मा के जितने भी हम लोग सब लोग एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा अलग अलग धर्म है, अलग अलग हमारा कर्म है, लेकिन जो हमारे इस देश की आधी आबादी है नारी शक्ति, वो यहाँ आ करके देखने को मुझे मिला। जैसा कि हमारी संचालन करने वाली मेरी बहन आप लोगों के बीच में विस्तार पूर्वक से हर चीज को रखा, हमारे पास जब इस प्रोग्राम के लिए हमारे ऑफिस ये ब्रह्मा कुमारी की बहनें गईं, तो मैंने तत्काल इनसे बोला कि मैं तुरंत आऊँगी, आप मुझे टाइम बता दीजिए। लेकिन आज हमको ऐसा लगा कि जैसा मुझे आ जाना था कल मैं जीने से गिर गई, तो यहीं कि इन जो मंचा सिंह हमारी माँ समान दुलारी बहन जी बैठी हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से हमें लगता है कि मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत आई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसलिए आज से मैं इस आस्था में जुड़ने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन मैं जब से यहाँ बैठी हूँ, माता जी ने जितनी बात बताई कि यहाँ बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि यहाँ पर हमारे इस विश्वविद्यालय में शादीशुदा लोग भी भाई बहन जैसा रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी संस्था है, अभी माता जी ने ये भी बताया कि जितने हमारी ये स्टूडेंट हैं, जितनी यहाँ पर टीचर हैं, सब जन्मजात ब्रह्मचारी हैं, चाहे वो, इसीलिए हमको लगता है कि जिन्होंने इनकी स्थापना की वो बहुत सोच समझकर इस संस्था का नाम ब्रह्माज कुमारी रखा। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं, तो मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और इतना जरूर कहूँगी, जो बहन मेरी गीता नाम है बोल रही थी, निधि भी बोल रही थी, संकल्प होना चाहिए अपने मन में, आप बड़े से बड़े कार्य को तुरंत करेंगे। जैसा कि अभी निधि दीदी ने बोला कि हम लोगों ने साल भर पहले यहाँ कूड़े में दीपक जलाया था, आज इतना विशाल महल बन के तैयार, आश्रम बन के तैयार हो गया। तो ये आप लोगों की एक संकल्प लिया कि इसको मुझे करना है, तो आज ये तैयार हो गया। अगर आपने अपने मन में ये बात बोली कि ये मुझे करना है, तो उसके लिए हमको बहुत भूमिका नहीं बनानी पड़ती, बनाना चाहिए, तत्काल उस कार्य में लग जाना चाहिए, निश्चित तौर पर भगवान आपका साथ देगा। अभी मेरे पैर में चोट लगा तो मैंने कहा मैं नीचे बैठूंगी, लेकिन जब हमने देखा कि हमसे 30, 35, 31, 32 साल बड़ी मेरी बहन किस तरीके से जीने चढ़ के आई, ये उस ब्रह्मचर्य का ही एक अंग है। हम लोग तो राजनीतिक जीवन में जी रही हूँ, हम लोग अपने बच्चों के साथ, सबके साथ हमारा जीवन है, लेकिन आज जो ज्ञान हमको यहाँ मिला, शायद अगर ये ज्ञान मुझको पहले मिला होता तो हम भी इसी दुनिया में रहना अपना सौभाग्य समझती, क्योंकि जो पारिवारिक जीवन होता है उसमें भाई खुशियाँ तो भगवान देता है हर जगह से, लेकिन अब उसमें कहीं रहो तो ये चिंता लगी रहती, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मौसी, मेरा, यानी पारिवारिक। लेकिन जो महिलाएं या जो महापुरुष इस ऐसे संस्था में आ जाता है, तो हमको
लगता है कि फिर उसको दुनिया का बहुत बड़ा मोह नहीं रहता, तो वो ये लगता है कि यही सब कुछ है, यही भगवान है, यही सब कुछ है। जैसा कि मैं यहाँ बैठी थी, मैंने देखा अभी एक बहन जी सामने बैठी हैं, एक एक जीने को पकड़ करके ऊपर आई, तो ये उनकी इस संस्था से आस्था है। तो इस तरीके से पहले मैं आपका एक आश्रम सिविल लाइन में भी है, वहाँ भी है, तो मैं कभी कभी सिलेंडर उलेंडर के चक्कर में उधर जाती थी, तो मैं देखती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, तो मैं झांक के देख लेती थी। मैं तमाम जगह ऐसे देखा करती थी, लेकिन हम कभी ऐसे जीवन में बैठने का मुझे अवसर नहीं मिला। आज हमें इन महापुरुषों का, ये अपनी माँ समान मेरी बड़ी बहन, जो इन्होंने अभी बताया, इन्होंने एक बात मुझको बोला है कि हम आपको कहाँ पर माउंट टाउन जो यहाँ सबसे बड़ा आपका हमें लगता आश्रम है, उन्होंने बोला कि वहाँ आप गई, हमने कहा नहीं गई हैं, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद होगा तो निश्चित तौर पर मैं वहाँ दर्शन करना चाहूँगी। अब माता जी ने कहा है तो निश्चित तौर पर मैं वहाँ जाऊँगी। मैं माता जी से इतना कहना चाहूँगी कि मेरा कोई भी कार्य होगा, जीवन का सबसे अहम कार्य होगा, लेकिन वो छोड़ करके मैं माता जी के साथ जा करके मैं वहाँ दर्शन करूँगा। मैं आप लोगों के बीच आकर मैं अपने को ये भाग दौड़ की जो मेरी ज़िंदगी है सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक, ये भी हमको यहाँ शहर की जनता ने मेरे पर विश्वास करके दिया है, तो मेरा स्वभाव है कि जो चीज़ मुझे मिलती है तो उसको हम उसका पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मैं आई आपसे, मैं माता जी या यहाँ की इस आश्रम की सभी मैं अपनी बहनों को और जो उम्र में छोटी अपने बेटियों को निश्चित तौर पर ये कहूँगी, कभी भी 24 घंटे में, ये नहीं कि रात है, रात में भी दिन में भी, जब आपको को याद करेंगी, ये सेवक बहन आपके बीच में रहेगी, और जो भी हमारे लायक होगा मैं करूँगी। जहाँ पर बहुत आध्यात्मिक लोग बैठे हों वहाँ पर हमें लगता है कि ज़्यादा भाषण उसड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे आश्रम में आने पर एकदम जैसे होता है कि मरने के बाद या मरने से पहले अगर भैरव घाट जाओ तो पूरा दिमाग एकदम अपने आप काम करता है, उसी तरीके से इस आश्रम में आने के बाद दुनिया क्या है पूरी आज मेरे समझ में आ गई कि क्या है, आदमी किसके लिए मर रहा है। एक कृष्ण भगवान का गाना है, जो बूढ़ी माँ है वहाँ से कृष्ण भगवान को लाई, और उसके जब वो मथुरा की थी उनका ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह में भी वो कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आई, डेली पूजा करती थी। एक बुजुर्ग हो गई, बेटे बहू सब थे, लेकिन वो मूर्ति को उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा आज तुम ही लोग नहला धुला दो, लेकिन वो लोग बराबर ये कहते थे कि माता जी एकदम दिमाग से हटके हैं, ये मूर्ति में कहाँ जान है। लेकिन माता जी ने कहा कि आप आज साफ कर दीजिए, कपड़े पहना दीजिए। माता जी बुजुर्ग थी, बीमार थी, बहू बेटों ने जो मूर्ति को उठाया मूर्ति गिर गई हाथ से, रोने लगी माता जी बगल कमरे में कि मेरा लाल घायल हो गया। फिर उन्होंने अपने बेटे बहू से कहा कि डॉक्टर ले आओ, डॉक्टर ले आओ, लेकिन अब सब ने कहा ये तो पगला ही है, डॉक्टर इस मूर्ति को क्या देखेगा। लेकिन माता जी ने इतना गदर काट दिया तो उनका बेटा बाहर गया, तो किसी ने कहा अरे आप जाओ डॉक्टर को पैसे उसे देख लाना और दिखा देना, अम्मा का भी ठीक है तुम्हारा भी ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर आया, भगवान की मूर्ति को चेक किया, वो भी सोच रहा था बुढ़िया पगल ही है कहाँ इसमें। लेकिन जब वो जाने लगा डॉक्टर, तो माता जी ने कहा अरे जो तुम अपनी मशीन इधर उधर रखते हो जरा उनके सीने पर तो रखो, तुम तो ऐसे ही चले जा रहे हो। जब उस डॉक्टर ने आले को सीने में रखा तो मूर्ति के अंदर जो है दिल धड़कने लगा, डॉक्टर के हाथ से सवाला ओला सब छूट गया, डॉक्टर ने सब वहीं पटका,
और कहा अब मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर उसने बूढ़ा मैया ने कहा अरे अपनी फीस तो लेते जा। कहले माता सब हो गया अब मैं जा रहा हूँ। उसने सब पटका और पट के तत्काल मथुरा चला गया। तो इसी तरीके से आज यहाँ आने के बाद पूरा दिमाग ही खुल गया। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद।